सो हेलो नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम जय श्री राम टू ऑल गाइस। तो कैसे आप लोग सब बढ़िया गाइस। सो आई एम बैक विद अंदर ब्लॉग गाइस। और गाइस आज मैं करने वाला हूँ अपने पोको एक्स थ्री प्रो का कैमरा रिव्यू। यानी कि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था, यानी कि मैं बनाया था मैं वीडियो अपने फ़ोन का अनबॉक्सिंग किया था, उसके बाद से मेरा वीडियोस नहीं आया था गाइस, बिकॉज कोरोना बहुत बढ़ गया गाइस। मतलब मई दो के बाद मतलब हमारे बंगाल में लॉकडाउन लगा था, तो इसी की वजह से हमारे आगरा में भी लॉकडाउन लगा था, और इसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो उसके लिए गाइस दिल से सॉरी आप लोग सबको को है ना गाइस। और प्लस हमारे आगरा में और हमारे बंगाल में जो तूफान आया था यास, उसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, और मैं और जून अरिश्मा ने वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए आप लोग सबको सॉरी गाइस। और फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं जा रहा हूँ गाइस अपने फ़ोन का मतलब जो वीडियो है वो दिखाऊँ कि फ़ोन का कैमरा का वीडियो कैसा क्वालिटी कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल दूँ कि अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये पोको एक्स थ्री प्रो में हो रहा है, और ये फ्रंट कैमरा का हो रहा है। जो फ्रंट कैमरा से जो वीडियो बन रहा है ये 4K सपोर्ट नहीं करता गाइस, और इसका जो कैमरा है गाइस 20 मेगापिक्सल है फ्रंट कैमरा है ना गाइस, और पीछे का 48+8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल एंड प्लस 2 मेगापिक्सल कैमरा है। और प्लस आगे मैं बोल दूँ आगे 4K का सपोर्ट नहीं है, आगे आपका 1080p है सिर्फ, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ कि इसका व्यू कैसा लग रहा है, देख लीजिए आप लोग। तो मैं बोलना चाहूँगा इसकी इसका जो व्यू है मतलब वाइड रेंज नहीं है गाइस, देखिए आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों ने अगर मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा तो आप लोग को ये समझ में आएगा कि ये जो कैमरा है ये उतना वाइड नहीं है, मतलब उतना ये कवर नहीं कर रहा है, देखिए एरिया पैक का। तो आप लोग देखिए वीडियोस देखिए है ना, अभी मैं फ़ोन का कैमरा क्वालिटी दिखा रहा हूँ एंड वीडियो क्वालिटी आप लोग देखिए देख लिया है ना गाइस कैसा है। सो गाइस अब मैं इस फ़ोन का फ्रंट कैमरा का फ़ोटो खींचूँगा, तो आप लोग देखिए गाइस कैसा इसका फ़ोटो आ रहा है ना। तो गाइस मैं अभी इस फ़ोन का मतलब फ्रंट कैमरा का फ़ोटोज़ खींचने वाला हूँ कि इस फ़ोन में कितना अच्छे अच्छे फीचर सब है, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर HDR फीचर दिया हुआ है ना, HDR को इनेबल करता हूँ मैं, HDR ठीक है, HDR को ऑन किया। अब इसमें AI सेक्शन भी ऑन करके देखता हूँ कैसा आ रहा है फीचर्स, ठीक है। अब गाइस इस फ़ोन ने देखिए पोर्ट्रेट मोड भी दिया हुआ है, तो मैं पोर्ट्रेट मोड भी ट्राई करता हूँ है ना, इसमें कैसा फ़ोटो सब आ रहा है गाइस देखता हूँ। और गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मतलब जो पोर्ट्रेट है उसमें हम लोग को फीचर भी दिया हुआ है कि हम लोग पोर्ट्रेट को ब्लर को और बढ़ा भी सकते हैं, देखिए बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई कि थोड़ा कम करके देखता हूँ कैसा आ रहा है क्वालिटी। तो गाइज ये देख सकते हैं ये फ़ोटो को मैं क्लिक किया हूँ अपने HDR मोड से, और इसे पोर्ट्रेट से क्लिक किया हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है, और प्लस इसे भी पोर्ट्रेट से खींचा बट इसका जो ब्लर है इसको ज़्यादा बढ़ाया हूँ। सो गाइज हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं इस फ़ोन के कैमरा के 1080 पिक्सल कैमरा 1080p एट 60 FPS का कैमरा, देखिए तो क्वालिटी कैसा है गाइस आप लोग देख ही सकते हैं, जो कि अच्छा है गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। सो गाइस अब मैं शूट कर रहा हूँ इस फ़ोन के 4K कैमरा से, और जो कि आपका 30 FPS तक देता है, ठीक है। सो गाइस आप लोग इस फ़ोन का स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं कैसा है ना, तो काफ़ी गाइस अच्छा लग रहा है इसका स्टेबलाइजेशन, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे मेरा बहुत अच्छा लगा मुझे गाइस। अब हम लोग ऑन करने वाले हैं इस फ़ोन का ड्यूअल वीडियो, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे गाइस। ड्यूअल वीडियो ऑन करता हूँ मैं, ठीक है। सो हम लोग आ चुके हैं गाइस इस फ़ोन के ड्यूअल वीडियो में, देखिए जो काफ़ी अच्छा है, ये फीचर बहुत ही अच्छा है गाइस, देखिए सब लोग देख सकते हैं कि इसका जो क्वालिटी कितना अच्छा लग रहा है गाइस, देखिए आप लोग मतलब जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, जिससे कि आप लोग अगर मान लीजिए व्लॉग करते हैं तो आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है, अपना आप को दिखा सकते हैं, और प्लस जहाँ आप लोग घूर रहे हैं उस बैकग्राउंड को भी दिखा सकते हैं गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे चेंज करता हूँ है ना गाइस थोड़ा सा। तो अब देखिए आप लोग अब यहाँ का जो लुक ये मतलब व्यू है वो कैसा है गाइस आप लोग देख सकते हैं इस व्यू में, ठीक है। तो मुझे ये फीचर काफ़ी कूल लग रहा है, देखिए थोड़ा अलग है
डिफरेंट है, बट मैं इसे अपने ब्लॉग में ज़रूर ट्राई करूँगा। मतलब जब भी मैं ब्लॉग बनाऊँगा कहीं भी जाऊँगा तो किसी व्यू को मुझे दिखाना रहेगा तो इसका यूज़ ज़रूर करूँगा गाइस मैं। और ये पिक्स अब जब मैं क्लिक किया हूँ, ये अपने बैक कैमरा से किया हूँ, और ये सारे पिक्स अब भी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ कलर को अच्छे से एडजस्ट किया गया है और बैकग्राउंड कलर भी बढ़िया ही आ रहा है। और यहाँ देखिए, मेन जिस पर फोकस होना है वो फोकस अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ भी गाइस काफ़ी हद तक अच्छा लगा है। सो गाइस, यहाँ आप लोग देख सकते हैं फ्लावरों का कलर को भी अच्छे से एडजस्ट किया गया है ना गाइस। और यहाँ भी गाइस देखिए, मेन ऑब्जेक्ट में अच्छा एडजस्टमेंट हुआ है। और यहाँ देखिए, इस इंजन ट्रेन पे भी अच्छा फोकस किया गया है। इस फ्लावर को देखिए, फ्लावरों के मेन जहाँ ब्लर किया गया है बैकग्राउंड को, फ्लावर फोकस किया गया है। और यहाँ भी कलर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इस पिक भी मैंने ट्राई किया बहुत फोकस करने का, बट हुआ नहीं, मैक्रो एकदम अच्छा नहीं लगा मुझे। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं इस फ़ोन का नाइट मोड का जो वीडियो है वो कैसा है, आप लोग देख सकते हैं गाइस। लेट्स फोकस गाइस, एक जगह फोकस करता हूँ है ना जूम करके। और ये पिक सब मैंने नाइट मोड में खींचा हूँ मैं गाइस, है ना, जो काफ़ी अच्छा है। और इसमें देखिए, कलर को अच्छी तरीके से मतलब फोकस किया गया है और मेन ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। यहाँ भी गाइस फोटो ठीक ठाक एकदम है गाइस, है ना। और यहाँ देखिए, इस पेड़ का कलर जो है एकदम ग्रीनिश मतलब। और ये गाइस, मैं इस फ़ोन के बैक कैमरे से नाइट वीडियो शूट किया हूँ स्ट्रीट में, रोड में मतलब। और देख सकते हैं आप लोग कैसा लग रहा है गाइस ये वीडियो। और ये कुछ पिक्स है जो मैं नाइट मोड में खींचा हूँ सेल्फी से, जो काफ़ी अच्छा लगा है। ज़्यादा बुरा भी नहीं, नॉर्मल ठीक ठाक एकदम पिक। सो गाइस, मैंने डे टाइम का मतलब सारे फोटोज और वीडियोस लिया, और प्लस नाइट का भी मतलब मैं फोटो और वीडियो चेक किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। और प्लस मैं बोलना चाहूँगा कि इस फोन का मतलब दो चीज़ मुझे अच्छा लगा ना एकदम, है ना। एक एक जो है वो है फ्रंट कैमरा, जिसका वाइड मतलब जो वाइड एकदम है ना गाइस, आप लोगों ने पूरा मतलब वीडियो में देखा होगा। और प्लस और एक है माइक्रोवेव, मतलब माइक्रो का जो मोड है वो मुझे अच्छा लगा ना, क्योंकि उसे फ्लावर में एकदम फोकस किया गया है नहीं, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। और प्लस और एक बात बोलना चाहूँ कि अगर ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया तो मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो भी जरूर देखिएगा इस फोन का, जो कि डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है ना गाइस। और प्लस आप लोग क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊं मैं, है ना गाइस, क्योंकि और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स अब आते रहेंगे, क्योंकि कुछ टाइम से मतलब 2-3 महीने से मेरे वीडियोज बंद थे गाइस, और अब रेगुलर वीडियो मतलब आते रहेंगे। तो आप लोग कहाँ चाहते हैं कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, उसके लिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक जरूर कीजिएगा, है ना गाइस। एंड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड रवि चड्डा से आई डोंट फेयर।